वंदे भारत पदयात्रा के पदयात्री एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारत माता मंदिर से राष्ट्र रक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और भारत माता मंदिर प्रांगण में नीम, पीपल, तुलसी, पारिजात एवं आंवले के वृक्षों का वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर धरातल पर कार्य कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। भारत माता मंदिर प्रांगण में प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में माल्यार्पण कर पदयात्री आशुतोष पांडे का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पदयात्री आशुतोष पांडे ने कहा कि यात्रा 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू हुई थी। अयोध्या से मथुरा और मथुरा से पैदल चलकर प्रयागराज एवं भदोही होते हुए वाराणसी पहुंची। यह यात्रा 21 राज्यों की यात्रा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए 2024 में अयोध्या में समाप्त होगी। इस दौरान 10,000 वृक्षारोपण 1,000 स्कूल के अंदर किया जा रहा है और युवाओं को पर्यावरण और शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 10 लाख नीम, पीपल, तुलसी, गिलोय, पारिजात और आंवला का वृक्ष लगाने का संकल्प दिलवाते हुए पूर्ण होगा। राष्ट्र रक्षा को लेकर भारतवर्ष में जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारी क्या बोलते हैं सरकारें हैं, जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर 10 लाख वृक्षारोपण करवाने का मेरा संकल्प है। प्लस 10,000 वृक्ष मैं खुद लगा रहा हूँ, उसको लेकर आज मैंने भारत माता मंदिर में संकल्प लिया है।